नमस्कार, हमारे खास शो रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। सांभर नगरी का जो राज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे जुड़ी कहानियां आपको इतिहास में नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इतिहास ने यहां की कहानी को जगह नहीं दी, बल्कि सच तो ये है कि सांभर में 1300 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसे इतिहास भी तलाश रहा है आज तक। क्योंकि आलिशान नगर सांभर के खंडर होने का जो राज न्यूज 24 को पता चला है, वो गिने चुने लोगों को ही मालूम है। और ये ऐसा राज है जिस पर यकीन करना आसान नहीं है। इतिहास हमेशा गौरवशाली नहीं होते। कुछ इतिहास ऐसे भी होते हैं जो आपको सदियों पुराने खौफ का सच बताते हैं। जयपुर देहात की सीमा में बसे सांभर नगर का इतिहास भी ऐसा ही है। न्यूज 24 को ये मालूम हुआ कि यहाँ 1300 साल पुराना ऐसा इतिहास है जिसके बारे में इतिहास को भी बहुत जानकारी नहीं है। किस्सों, कहानियों और खंडहर में तब्दील हो चुके सांभर की एक एक ईंट और मिट्टी कभी राज उगलती है, कभी खजाने की झलक दिखाती है। इस जगह का कौन सा वो राज है जिसने विधि का विधान भी बदल दिया था? वो कौन था जिसने इस बसे बसाए नगर को रातों रात एक ही पल में जमींदोज कर दिया था? 1300 साल पहले जयपुर के पास सांभर में भटकते हुए एक पीर पहुंचे थे। बताते हैं कि वो पीर कुछ घंटे तक सांभर में रहे और उसके बाद सूरज ढलते ही एक ऐसी घटना हुई जिसने सांभर को एक पल में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस रात की कहानी आपको इतिहास में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किताबी कहानी नहीं बल्कि इतिहास की उस आफत वाली रात का सच है जिसकी कहानी लाल पत्थरों और सफेद मिट्टी पर लिखी है। हमारे मन में ये सवाल था कि किसी नगर को एक आदमी कैसे पलट सकता है। इस असंभव और अकल्पनीय घटना की सच्चाई क्या है? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज 24 की टीम जयपुर से सांभर के लिए रवाना हुई। करीब 2 घंटे के सफर के बाद जब हमारी टीम सांभर पहुंची, तो एक खास जगह पर पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। क्योंकि आंखें जो कुछ भी देख रही थी उस पर यकीन करना आसान नहीं था। जहां तक निगाहें जा रही थी, वहां मकानों की दीवारें, छत, कुएं सब जमींदोज नजर आए। इन्हीं खंडहर से शुरू होता है जयपुर के पास सांभर का रातों रात दफन हो जाने वाला राज। सालों पुराना एक शहर वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ एक शहर, लेकिन आज पूरी तरह खंडर हो चुका है। कहा जाता है कि इस शहर की बनावट ही ऐसी कुछ थी जो कि लोगों के लिए आज भी आश्चर्य का एक विषय बनी हुई है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यह पूरा शहर ही जमींदोज हो गया। जयपुर के पास हंसती खेलती और आबादी से भरी हुई सांभर नगरी रातों रात किसने वीरान बना दिया? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारी टीम सांभर के खंडहर हो चुके आधे अधूरे मकानों में दाखिल हुई। मालूम हुआ कि अब सांभर नगरी को उल्टा नगर कहते हैं। पुरातत्व विभाग का यह बोर्ड ये बताने के लिए काफी है कि सांभर के कण कण में हिंदुस्तान के 1300 साल पुराने इतिहास से जुड़ी तमाम निशानियां मौजूद हैं। इसलिए यहां हर वक्त ASI विभाग की पहरेदारी रहती है। इतिहास, विरासत और संस्कृति की छवियां अब भी यहां सांस लेती दिख जाएगी। इन्हीं छवियों, चित्रों और खंडहर में रहस्य की अनसुनी कहानियां भी छिपी है।
जो आज सामने आएगी। यहां का गुजरा हुआ कल अतीत के उस पल का सच बताता है जिसके बारे में सुनना तो हर कोई चाहता लेकिन जानता कोई नहीं है। कहा यह भी जाता है कि अब यहां पर जो अवशेष मिल रहे हैं वह कुछ इस तरह से हैं जिसमें छत आसमान पर होने की बजाय जमीन की तरफ झुकी हुई है। इसे उल्टा शहर भी कहते हैं। राजस्थान के सांभर में यह शहर है और उल्टा करीज नाम के इस शहर में मैं आपको ले चलता हूँ। कहते हैं कि ये पुराना सांभर भी है, वही सांभर जो कि झीलों की, खारे पानी की जहाँ पर सबसे बड़ी झील है और यहाँ का नमक पूरे हिंदुस्तान में जाता है। आखिर क्या है इस शहर से जुड़ी यह दास्ता और क्यों इस शहर को उल्टा शहर कहा जाता है? सांभर से जुड़े राज जानने के लिए इस झील के बारे में जान लीजिए। फिलहाल ये टूरिस्ट स्पॉट है यानी पर्यटक केंद्र। सांभर के खामोश खंडहर बताते हैं कि ये एक प्राचीन सभ्यता वाला और लोक कथाओं को जिंदा रखने वाला नगर है। यहाँ की सबसे मशहूर सांभर झील उस राज की गवाह है जिसने इस सुविधा संपन्न और व्यापार का केंद्र रह चुके नगर को तबाह कर दिया था। सांभर नगरी के खास हिस्से में प्रवेश करते ही आपको दूर दूर तक खंडहर ही दिखेंगे लेकिन यहाँ का अनकहा सच यही है, यही है पुरानी और असली सांभर नगरी। यहाँ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मकानों की दीवारें जमीन में दबी है। कई मकान ऐसे हैं जिनकी छतें कदमों के नीचे दिखाई देती हैं। आखिर छतों के जमीन पर पड़े होने का राज क्या है? सांभर के खंडहर में इस पहेली का जवाब मिलता है। इस उल्टे गांव में बने मकानों की खासियत यह थी कि यहां पर जो पत्थर अब खुदाई के दौरान मिले हैं ये पत्थर खास तरह के पत्थर होते थे। इनमें इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था नहीं थी लेकिन यदि इन्हें चूने के साथ कहीं पर रख दिया जाता था तो इनकी मजबूती ऐसी कि ये हिलते भी नहीं थे। इतने मजबूती से ये मकान बनाए गए थे। अब केवल अवशेष यहाँ पर आपको सब तरफ नज़र आते हैं और जिस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को मिला है उसके बाद उसे देखने से एक बात साफ तौर पर नज़र आती है कि काफ़ी तरीके से सोच समझ के हर घर को बनाया गया था और शायद यहाँ पर वो तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद थी जो किसी भी शहर में उस इलाके के लोगों को मिलनी चाहिए। काफी उन्नत शहर रहा होगा अपने जमाने का यह। सांभर के इस खंडहर का सच आम लोगों की यादों से भी मिट चुका है लेकिन इस जगह का खौफ अब भी इस पूरे इलाके के आसपास मौजूद है। लोग शाम ढलने के बाद इस वीरान जगह के आसपास से भी गुजरने से डरते हैं क्योंकि लोगों ने वो किस्सा सुना है जिसने इस नगरी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी थी। दिन में जो निशानियां देखकर उनके करीब जाने की इच्छा होती है वही निशान रात के अंधेरे में बेहद डरावने लगते हैं। यहां के कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस जगह के पास से अगर कभी गुजरना भी पड़ा तो अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। कौन है जो इस वीराने में शाम ढलने के बाद डरावनी आवाजें निकालता है? क्यों लोग इन खंडहर से डरते हैं? जयपुर के पास सांभर नगरी में 1300 साल पहले एक पीर घूमते घूमते पहुंचे थे। उस पीर को यह पता चला कि सांभर के लोग बहुत दरिया दिल हैं। वो अपने यहाँ आने वालों की खूब सेवा करते हैं। ये जानकर पीर घूमते हुए सांभर नगरी में दाखिल हुए। ये उसी रात की बात है जब कहानियों के मुताबिक एक बहुत बड़े पीर वहां पहुंचे थे। कहते हैं पीर या साधुओं को आसानी से गुस्सा नहीं आता लेकिन जब आता है तो वो विधि के विधान को बदल कर रख देते हैं और उस रात भी ठीक ऐसा ही हुआ था। सांभर के लोगों के बीच मौजूद उस पीर को ऐसा गुस्सा आया था जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसी गुस्से ने सांभर को खंडर बना दिया था। सांभर के खंडहरों में उस तबाही के निशान और कहानियां मिलती है।
जो लोग उस अनकहे राज और अनसुने इतिहास से वाकिफ हैं, उनसे न्यूज 24 की टीम ने बात की। लोगों के बीच उस घटना को लेकर इतना खौफ है कि कोई भी आदमी उस राज के बारे में बात करने से डरता है। लेकिन उसी सांभर के उन्हीं खंडहर के बीच हम उन लोगों को लेकर गए जो पीर के गुस्से और श्राप का पूरा इतिहास जानते हैं। इस गांव का नाम उल्टा गांव क्यों पड़ा और इसकी यह हालत ऐसी क्यों हो गई, क्यों वीरान यह गांव है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब लगातार खोजा जा रहा है अलग अलग तरीके से। लेकिन कहा जाता है कि कभी ये जादूगरों का, कभी तांत्रिकों का और बाजीगरों का गांव रहा है, जिन्होंने कि आसपास के इलाके में कुछ ऐसा किया था जिसके चलते उन्हें श्राप मिल गया और ये पूरा गांव ही एक जलजले की बाती पूरी तरह ख़त्म हो गया। हम बातचीत करते हैं, आपका पहले नाम बताइए सर। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब हैं, अपने परिवार की 27वीं पीढ़ी के ये सदस्य हैं, यहीं इसी के आसपास के रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छी तरह से अपने पूर्वजों से भी इन्होंने सुना है इसके बारे में, काफ़ी कुछ पुरातत्व विभाग वालों से भी सुना है। इस गांव के बारे में बताइए, क्या आपने क्या सुना है इस गांव के बारे में, क्यों ऐसा वीरान है? बुजुर्गों से सुना है कि ये पहले पुराना सांभर यहीं था और ये पाटन शहर के नाम से बताते हैं इसको पुराने लोग। ये जब बाबा साहब यहाँ आए थे तो बाबा साहब ने आके यहाँ पर इनसे प्रार्थना करने की गुजारिश की, तो ये सब लोग नास्तिक टाइप लोग थे, किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। एक रोज बाबा साहब की दावत की इन लोगों ने, उसमें भी हराम खाना बना के लेके आए। वो खाना जब सामने आया तो बाबा साहब को उसकी तासीर का पता चला, और जिस चटाई पे बैठ के भक्ति कर रहे थे उसको पलटी मारा, पूरी बस्ती तहस नहस हो गया। ऐसा हम बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं। दरअसल यहाँ के एक मौलवी जिस पीर का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें किसी ने पहले कभी देखा नहीं, लेकिन जिस रात वो यहाँ आए वो बहुत खुश थे। शाम को उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों से रात का खाना खिलाने की गुजारिश की। इसी दौरान कुछ लोगों ने शरारत में उनके सामने ऐसी थाली रख दी जिसमें रखा खाना खाने के लायक नहीं था। पीर को इस बात का पता चल गया कि उनके भोजन के साथ किसी ने शरारत की है। उन्होंने इस घटना को अपना घोर अपमान समझा और उसके बाद इतने क्रोधित हुए कि अपना प्रकोप दिखाने लगे। उन्होंने दैवीय शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते पूरी सांभर नगरी पलट कर रख दिया। फैला हुआ गांव था, क्योंकि मैंने सुना करीब 23 किलोमीटर दूर तक है पूरा गांव। 24 किलोमीटर के एरिया में गुजरू को सुन रहे हैं हम। बाकी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको 2 किलोमीटर का एरिया एक्वायर्ड किया है। बाकी आसपास के खेत में कहीं भी कुछ खोदते हैं तो यही मकान निकलते हैं। आसपास के खेतों में खोदते हैं तो इसी तरह की बस्तियां, इसी तरह के उजड़े हुए खंडर निकलते हैं, जो कि यह बताते हैं कि कितना पुराना, 1300 साल पुराना, बहुत बड़ी बात है। 1300 साल पुराना इतिहास अपने आप में यह समेटे हुए है। बताते हैं कि उस पीर ने अपनी हथेलियों को जैसे ही पलटा तो पूरे सांभर कस्बे की इमारतें जमीन में दफन हो गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने धरती को उलटकर रख दिया। उस पीर को गुस्सा क्यों आया? कौन था वो पीर? वो कहां से आया था और क्यों उसने बसे बसाए सांभर नगर को एक ही रात में उजाड़ दिया? इन सवालों के जवाब हमें सांभर के उसी वीराने में मिलेंगे जहां ये अकल्पनीय घटना हुई थी। पीर के श्राप और क्रोध के बाद सांभर नगरी पूरी तरह वीरान हो गई। उसके बाद से यहां आसपास ना तो कोई मकान है और ना ही कोई दुकान। सांभर के मुख्य गांव के बाहरी छोर पर सिर्फ एक दरगाह बनी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दरगाह को नलियासर सभ्यता के बाद बनाया गया। यहां नलियासर सभ्यता के तमाम अवशेष मिलते हैं। खुदाई में ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के अवशेष पाए गए हैं।
यहाँ की खुदाई में पुरातत्व विभाग को कई बार ऐसी चीजें भी मिली जो हैरान कर देने वाली थी। और स्थानीय लोगों को कुछ ऐसे नरकंकाल मिले जो उन्हें डराने के लिए काफी थे। एक और बहुत रोचक चीज ये बता रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। आप बता रहे थे कभी बरसात होती तो पीछे कुछ आपको नजर आता था। ये सामने मिट्टी के टीले दिख रहे हैं, ये बरसात में मिट्टी धुल जाती तो इंसान का पूरा ढांचा उसमें नजर आता था, वो हड्डियां पूरी, उसको जो हाथ लगाते थे पाउडर हो जाता था, मेरे खुद के हाथ लगाए हुए उनको। तो ये क्यों ढांचा, किसके थे वो ढांचे? मानो जो इस बस्ती में थे लोग वो इसी में दब गए, उन्हीं की वो लाशें उसी में दफन हो गई सब। जो बरसात से मिट्टी खुद धुली तो वो बाहर आ जाती थी और बाकायदा सफेद पाउडर की तरह लग जाती थी वो। शायद इसी कारण से इसको राजस्थान का मोस्ट हंटेड प्लेस भी माना जाता है। यहाँ पर शायद शाम के बाद लोग आना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि एक तो तांत्रिकों की बस्ती है, ऊपर से इस तरह के जब इस बस्ती में रहने वाले लोगों के अभी भी कंकाल मिलने लगे हैं तो निश्चित तौर पर यह जगह डरावनी होगी। और शायद यही कारण है कि आपको दूर दूर तक अब इस इलाके के आसपास कोई भी नज़र नहीं आता। और यह बात बताने के लिए काफ़ी है कि यह शहर तो पुराना है लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई कहानियां भी इतनी पुरानी, इतनी रोचक है कि किसी को भी डरा सकती है, किसी को भी रोमांचित कर सकती है। देखने का नजरिया अलग अलग है। दरअसल सांभर नगरी के खंडहर में तमाम इमारतें दबी हुई है। रातों रात पीर के गुस्से का प्रकोप ऐसा हुआ कि यहाँ जीवन पूरी तरह खत्म हो गया। जो लोग रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे वो हमेशा के लिए सो गए। उस तबाही वाले गुस्से के बाद किसी ने उस पीर को यहाँ दोबारा नहीं देखा। लोगों की किंवदंती है कि यहाँ पर एक कोई फकीर रहा करते थे और वो गांव में भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करते थे। तो एक समय किन्हीं लोगों ने उनको धुतकार दिया तो उनके प्रकोप से इसको उल्टा हुआ भी बताते हैं, जिसके अभी भी सबूत वहां पर मौजूद हैं और लोग उनको देखने के लिए भी जाते हैं। सांभर में आए पीर के गुस्से ने उस रात के बाद यहाँ की हर चीज को इतिहास बना दिया। यहाँ पुरातत्व विभाग को अक्सर तलाश के दौरान भारतीय इतिहास के बेहद दुर्लभ सिक्के, हुविश्क, इंडो ग्रीक और गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मिले। यहाँ का इतिहास बताता है कि सांभर नगरी के लोग कभी सोने और तांबे की कारीगरी बहुत बेमिसाल तरीके से करते थे, इसलिए यहाँ से अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की कीमत का ऐतिहासिक खजाना मिल चुका है, जिसमें सोने की कारीगरी से बनाया हुआ शेर, सोने चांदी की बड़ी और छोटी गेंद, मिट्टी की तलवारें, झुंझुने, विशालकाय तवे और पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के पात्र मिले हैं। कुछ समय पहले नड़ियासर में जो खुदाई हुई थी तो वहां से प्राप्त बर्तन, सिक्के, वाद्य यंत्र और अन्य जो कामकाजी घरेलू सामान जो मिला था, उस सभ्यता से उनकी बेलबूटेदार जो बर्तन थे और थे, तो उससे ये पता लगता है कि सांभर को यदि हड़प्पा कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। नलियासर सभ्यता का इतिहास बताता है ये खंडहर कभी संस्कृत भाषा के लिए मशहूर था। यहाँ चौथी शताब्दी के मध्य में संस्कृत भाषा में लिखी ब्राह्मी लिपि भी मिल चुकी है। जमीन में दफन हो चुकी यहाँ की इमारतों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि 1300 साल पहले भी यहाँ निर्माण कला का इतिहास कितना विकसित था। बेहद मजबूत ईंट और लगभग सफेद मिट्टी के गोरे से बनाए मकान 1300 साल से भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। करीब 23 किलोमीटर एरिया में फैले इस तांत्रिकों की बस्ती के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो मकान बने थे उनमें एक खास तौर की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। ये देखिए, यहाँ पर आप ईंटों की साइज देख सकते हैं। शायद इस साइज की ईंटें अब बनना बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। सामान्य जो साइज की ईंट होती है उससे लगभग 2 गुना बड़ा है यह। हर ईंट का अगर आप देखेंगे तो आकार यही है। इस तरह के खास ईंटों से, चूने की कारीगरी से ये मकान बने हुए हैं, काफ़ी पक्के हैं, 1300 साल पुराने हैं। अब तक भी यदि इनके अवशेष इसी तरह से मिलते हैं तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त की कारीगरी क्या रही होगी। चूंकि तांत्रिकों का ये पूरा इलाका था, ऐसे में आज भी
कई लोग यहाँ पर आते हैं। इस तरह से धीरे जितनी भी होती है यहाँ पर वे खुदाई करते हैं, और उस खुदाई के दौरान कुछ लोगों को कुछ चीज़ें मिलती भी है, कईयों को खाली हाथ भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो पहाड़ी टीले दिख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर एक जलजला जैसा आया था जिसके चलते ये पूरा गांव वीरान हुआ, तो कई चीज़ें आज भी यहाँ पर दबी हुई है। पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन इस जगह को ले लिया है, जिसके चलते अब लोगों का आना जाना यहाँ कम है, लेकिन आज भी चोरी छुपके कई सारे लोग इस वीरान बस्ती की खुदाई करने आते हैं, इस लालसा में कि शायद उन्हें कुछ पुरानी संपत्ति मिल जाए, कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाए जो कि ऐतिहासिक रूप से काफ़ी कीमती साबित हो। इन्हीं ईंट पत्थरों में दबी छिपी कहानियों में न्यूज 24 की टीम को एक चौंकाने वाला राज मालूम हुआ। बताया गया कि हर तरह की कला और संपत्ति से भरपूर ये शहर जब अचानक वीरान हुआ, तो उसके बाद से यहाँ ऐसी घटनाएं होने लगी जो लोगों को दिन रात परेशान करती है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि किसी शख्स के कहने पर कोई शहर वीरान हो जाए, कोई जगह कभी ना आबाद हो सके? हम भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जयपुर के पास पुराने सांभर नगर पहुंचकर यकीन करना पड़ा, क्योंकि वहां के लोगों ने जैसा जैसा बताया वो सब सच निकलता चला गया। और उस पुराने और शापित सांभर नगरी के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जमीन में दफन वहां की दीवारों ने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, वो सारी कहानी बताती हैं। सांभर नगरी क्यों वीरान हुई? इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन दोबारा वहां पर लोग क्यों नहीं बस सके? सैकड़ों लोग अपना सोना चांदी और तमाम जेवर के साथ मकान समेत जमीन में दब गए, तो उसके बाद क्या हुआ? रातों रात यहां की इमारतों और इंसानों को ढूंढने की हिम्मत किसी ने क्यों नहीं की? इन सवालों के साथ सांभर के खंडहर को खंगाला गया, तो कुछ और अनकहे अनसुने राज सामने आए। इतिहासकारों की माने तो इस शहर का इतिहास काफ़ी पुराना है, और यहाँ पर 18वीं शताब्दी से लगातार इसी तरह से खुदाई और इस शहर से जुड़े रहस्यों का पता लगाने की कोशिश जारी है। खास बात यह है कि कुछ साल पहले यहाँ से गुप्त, कुषाण और शुक काल के कई सारी मूर्तियाँ और सिक्के मिले थे, जिन्हें आज भी जयपुर के एक म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार यह गांव वीरान कैसे हुआ, इतिहास के पन्नों में इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं है। जो कुछ जानकारी दी जा रही है वह किंवदंतियों के आधार पर ही है कि यह गांव क्यों वीरान हुआ, और इसके पीछे एक शाप की कहानी भी खुलकर सामने आ रही है। सांभर के जो खंडहर आप देख रहे हैं, यहाँ हलचल भी होती है। आप माने या ना माने, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे ही मानते हैं। वो बताते हैं कि इस पुराने सांभर नगर को 1300 साल पहले जो श्राप मिला था, उसका असर आज भी देखने को मिलता है। न्यूज 24 की टीम ने इंसानों समेत जमींदोज होकर खंडहर बन चुके वीराने में तहकीकात की। मालूम हुआ कि इस गांव में जिस रात तबाही आई, उस रात यहां के कुछ तांत्रिकों ने साजिश रची थी। उन्हीं की हरकतों ने इस जगह को बर्बाद कर दिया। इस गांव की दीवार से लगी हुई दरगाह के पीर बाबा ने जो श्राप दिया था, वो तांत्रिकों की शरारत का नतीजा था। दरअसल तांत्रिकों ने पीर बाबा को दी गई खाने की थाली को बदल दिया था। जब पीर ने भोजन देखा तो गुस्से में सांभर को तबाह करने के साथ साथ एक बात कही थी।
जहां के लोग इतने असंवेदनशील हों, जहां के लोगों में दया की भावना ना हो, वहां जीवन का क्या मतलब। इसलिए अब ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और फिर कभी नहीं बस पाएगा। इस बात पर कोई भी आसानी से यकीन नहीं करेगा कि 1300 साल पहले किसी पीर के श्राप से तबाह हुआ नगर दोबारा नहीं बस पाएगा। लेकिन जब आप पुरानी सांभर नगरी को देखेंगे तो ये बात सच लगेगी, क्योंकि अब तक तबाह हुई जगह के 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं है, ना इंसानों की बस्ती और ना इंसानों की चहलकदमी। यहां सिर्फ वो पीर, उसका श्राप और वीरान इमारतें हैं। सांभर ऐतिहासिक दृष्टि से और प्राचीन धरोहर और पुरातात्विक संपदा की दृष्टि से अति प्राचीन कस्बा है। और सांभर के लिए कहा जाता है कि सांभर का शुरू का नाम जो था वो देवखेड़ा था। सांभर का जो कस्बा तबाह हुआ था उससे 5 किलोमीटर दूर नया सांभर बस चुका है, लेकिन असली सांभर यही था। इस खंडहर की दीवारों के पास एकाध घर बने। इन घरों में रहने वाले लोग बताते हैं कि निराना मार्ग पर सालों पहले चांदी और नमक के व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। जयपुर के सांभर नगर में रहने वाले लोग इतने संपन्न और दूरगामी यात्री थे कि व्यापार के लिए दूसरे मुल्कों तक में जाया करते थे। जरा सोचिए, सदियों पहले इस वीराने के लोग आयात और निर्यात करते थे, लेकिन अब सब कुछ वहां पर बदल चुका है। पुराना सांभर नगर इतना पुराना हो चुका है कि यह जगह सड़क किनारे किसी मरघट सी दूर से नजर आती है। दरअसल कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस रात सांभर में पीर की प्रलय आई, उस वक्त तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों ने गांव वालों को परेशान कर रखा था। कई साल से लोग सांभर में होने वाली तांत्रिक क्रियाओं से डरे हुए। गांव वालों के विरोध करने के बावजूद तांत्रिकों ने अपनी अमानवीय गतिविधियां जारी रखी। कहा तो यह भी जाता है कि शायद उन्हीं तांत्रिकों से मुक्ति दिलाने के लिए पीर बाबा यहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी तांत्रिकों ने तामसी भोजन देकर उन पर तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। पीर बाबा को मामूली आदमी समझकर तांत्रिकों ने उन पर जुल्म करने की कोशिश की, तो पीर बाबा ने कहा कि ये लोग अपने नापाक इरादों से लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए उन्होंने तांत्रिक समेत सांभर नगरी को गुस्से में नष्ट कर दिया। सांभर की यह बस्ती दोबारा बस तो नहीं सकी, लेकिन आज भी यहां किसी न किसी इलाके में कंकाल मिलते रहते हैं। रेत के टीलों के नीचे जब भी बरसात में मिट्टी सरकती है तो नरकंकाल दिखने लगते हैं। इस वजह से लोग सांभर के इस वीराने के पास से गुजरने में डरते हैं। हम आपको बताते हैं कि यह शाप किसने दिया, क्यों दिया और किसको दिया, इस शाप को दिए जाने का मकसद क्या है और क्यों पूरा का पूरा गांव इस कदर अब वीरान सा हो गया है। यहाँ पर सन्नाटा और वीरानापन भी कुछ ऐसा कि लोग इसके नाम सुनते ही अब डर जाते हैं, दहशत में आते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद शायद इस ओर से गुजरना कोई पसंद भी नहीं करता, क्योंकि एक तो शाप से जुड़ी इसकी कहानी है, दूसरा यहाँ का वीरानापन और यहाँ से निकलने वाली अजीबोगरीब आवाज़ लोगों को परेशान और हैरान करके रख देती है। इस जगह को लेकर लोगों के बीच इतना खौफ है कि वो 1300 साल बाद भी पीर बाबा के उस शाप को नहीं भूले हैं। लोग अब ये मानने लगे हैं कि जो भी इंसान इस खंडहर हो चुके सांभर नगरी से शाम को गुजरेगा या किसी भी वजह से यहाँ रुकेगा, वो अगले दिन का सूरज नहीं देख सकेगा, यानी उसी रात उसकी मौत हो जाएगी। इसी डर की वजह से शाम होने से पहले ही इस वीराने के दोनों छोर शाम से लेकर अगली सुबह तक के लिए वीराने हो जाते हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं
कि पीर बाबा के श्राप से जीते जी जमीन में दफन हो चुके उन तांत्रिकों की आत्माएं आज भी यहां सदियों से भटक रही हैं। इसलिए उन बुरी आत्माओं के साए से बचने के लिए लोग इस जगह से दिन में भी दूर रहते हैं। खौफ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो लालच के सामने घुटने टेक देता है। सांभर की शापित नगरी को लेकर भी कई साल से यही देखने को मिल रहा है। यहाँ बुरी आत्माओं का साया और पीर के श्राप की बात जानते हुए भी कई लोग खजाने की तलाश में आते हैं। सांभर नगरी के बारे में जिन्हें ये मालूम है कि रातों रात ये जगह पीर के श्राप से जमीन में दफन हो गई थी, वो ये भी जानते हैं कि उस वक्त लोगों के पास जो भी सोना चांदी और कीमती साधु थी वो भी जमीन में दब गई, दफन हो गई। सदियों बाद अब वही चीजें नायाब हो चुकी हैं, नई हो चुकी हैं। इसीलिए लोग यहाँ पाबंदी के बावजूद अक्सर कुछ न कुछ तलाशते हुए पकड़े जाते हैं। सांभर के खंडहर से गुजरते वक्त कुछ लोग थोड़ी देर राहत पाने के लिए यहाँ आसपास के पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। इसी दौरान कुछ लोगों को कभी सिक्के तो कभी कुछ दूसरी धातुएं और बर्तन मिले। 1300 साल पुरानी वो सारी चीजें पुरातत्व विभाग के लिए सर्वे और इतिहास की जांच का विषय है, इसलिए यहाँ लोगों को किसी भी चीज को छूने की मनाही है। लेकिन कई लोग खजाने की तलाश में आए और जब कुछ मिल गया तो उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने इस पूरे इलाके को ऐतिहासिक महत्व वाला करार दिया है। साथ ही यहां मिलने वाली चीजों के बारे में फौरन सूचना देने का नियम बनाया गया है। एएसआई की ओर से भी कई बार खुदाई की गई। इस दौरान यहां के जमीन में दब चुके घरों में बड़े बड़े हॉल और रसोई घर मिले। पुरानी सांभर नगरी में 18वीं सदी से खुदाई हो रही है। सबसे पहले 1936 से 1938 तक खुदाई की गई। इसके बाद 1984 में उत्खनन का काम फिर हुआ। 35 साल में कई बार खुदाई हुई और बड़ी सफलता भी मिली। 1984 में खंडहर हो चुके सांभर नगर के अवशेष मिले। उसके बाद पुराने सांभर की जमींदोज मकानों से चीजें मिली। सिक्के, बर्तन, धातुएं सब 1000 साल से ज्यादा पुरानी बताई गई। तमाम राज, कई कहानियां, बहुत सारा इतिहास, कुछ अनकहे किस्से और खजाने की अधूरी खोज वाले पुराने सांभर के कुछ रहस्य अब भी सामने आना बाकी है। यहाँ की छोटी लेकिन रहस्यमयी दुनिया में आने के बाद ये पता चल गया कि इस जगह को उल्टा नगर क्यों कहते हैं। लेकिन इतिहास की मिट्टी में जो चीजें दफन है वो जब भी बाहर आती है तो यहाँ के अनकहे राज से हर बार पर्दा उठाती है। जयपुर की सांभर नगरी के रहस्य की पूरी खोज अभी जारी है। आज जिस इतिहास से आप रूबरू हुए हैं वो सच हो या कहानी, लेकिन रहस्य की ये पड़ताल हम सबको एक संदेश देती है। भले ही हम इस बात पर यकीन ना करें कि कोई इंसान धरती को कैसे पलट सकता है, लेकिन इस बात पर यकीन तो करना ही होगा कि हम अपने घर आए हुए किसी मेहमान का अपमान नहीं कर सकते, कभी नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि मेहमान की शक्ल में हमारे घर कौन आया है। और इतिहास में मेहमानों का अपमान हमेशा प्रलय लेकर आया है। इसी के साथ आज के रहस्य शो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।